समाजवादी पार्टी के एसडीएम साहब से मिले, हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। एसडीएम साहब ने उसको गंभीरता से लेते हुए अंदर जाके आदेश कर दिया कि बिना आईडी के कोई भी वोट नहीं पड़ेगा, हम समाजवादी के लोग भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी करके चुनाव नहीं जीतने देंगे, बल्कि हम अपने वोटरों के दम पे ईमानदारी से इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराएंगे। कि जो वोट यहाँ पर विधायक जी के पैड से पड़ रहे हैं, उस पैड के लिए ये कह रहे थे ये मान्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश है उसके मुताबिक ये है कि विधायकों का सदन, विधान परिषद का सदन या राज्यसभा का सदन या लोकसभा का सदन जो उनको जारी करता है पास, वो मान्य है, ना कि उनके द्वारा लिखा गया पास मान्य है, ना उनके द्वारा लिखा हुआ पहचान पत्र मान्य है, ये बात है। और इस तरीके से ये धांधली नहीं होनी चाहिए। आप अपना नाम और पद का नाम और जुल्फिकार अली खान, बिथरी विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। बताइए, अभी हम लोग आंवला आए थे, आंवला का ये बूथ है, इस पे ये शिकायत मिली थी कि बगैर आईडी प्रूफ के फर्जी मतदान भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस मतदान के लिए हम लोग एसडीएम साहब से मिले, हम थे चेयरमैन साहब से, विधानसभा अध्यक्ष जुल्फिकार अली बिट्टू साहब थे, शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे। एसडीएम साहब ने मौके पे जाकर देखा और आईडी के लिए कहा है सबकी आईडी देखकर ही मतदान किया जाए, अन्यथा ये फर्जी मतदान की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से फर्जी मतदान करके जीत हासिल करना चाहती है। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, संघर्ष करके हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे, फर्जी मतदान का विरोध करें। आज मैं अपने घर पे था, आराम कर रहा था, दोपहर में चौकी इंचार्ज कपिल कुमार और दो उसके सहयोगियों के साथ आया मेरे घर पे और दरवाजे में लात मार के अंदर घुस गया। मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी बरामदे में, उससे बोला कि वो महेश सभासद कहाँ है, मतलब अदर भाषा में बात करते हुए बोला कि मेरी पत्नी बोली कि आप कैसे बात कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र से पार्षद हैं, सम्मान से बात की है, मैं बुला दे दूँगा। मैं कमरे से निकल के गया, मैंने कहा क्या बात है, तो मेरे से बोला कि आपने जो SSP को शिकायत की है उसमें CO साहब मेरे पे जांच कर रहे हैं और मेरे पे कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। किस बात की शिकायत की? मैंने अभी पूर्व में कुछ समय पहले क्षेत्र में खनन करा रहा है, जब से यहाँ पर आया है निगम द्वारा पिछले साल मैंने एक रोड डलवाई थी जिसकी काफ़ी लागत आई थी, लगभग 15-20 लाख रुपये, वो रोड जो एक ही साल में खनन के माध्यम से टूट गई। इसके लिए मैंने इसको फ़ोन भी किया था कि मान्यवर इसको आप रुकवा दीजिए, उसकी मेरे पास ऑडियो भी है, लेकिन ये बोला कि मैं नहीं रुकवा पाऊंगा, आप आके खुद रुकवा लो अगर रुकवा सकते हो तो। उसकी मैंने अगले दिन वीडियो बना के चौकी के सामने से ट्रॉली निकलते हुए वो मैंने SSP महोदय को भी दिखाई थी, उसकी शिकायत मैंने की थी। उसका दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर वो ये कह रहा था कि अगर आप इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो मैं आपसे जो है किसी और केस में लगा के आपको मारपीट वाली घटना ये आई कि आप मेरे साथ चौकी चलो, मैंने आप पे एक मुकदमा लिखाया है मानहानि का, पता नहीं क्या बता रहा था, आप मेरे साथ चौकी चलो, हाँ मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपको FIR की कॉपी दिखाइए या कोई वारंट दीजिए तब मैं आपके साथ चल सकता हूँ, अन्यथा नहीं चल सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती ले जाने लगा था। मेरी वाइफ बीच में आई, उन्होंने कहा कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हम ऐसे नहीं ले जाने देंगे। और फिर बहुत सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, मेरे आस पड़ोसी सब लोग आ गए, उन्होंने मुझे छुड़ाया। फिर भी मेरी पत्नी से उसने बदतमीजी करी, मेरी पत्नी के साथ बहुत बदतमीजी करी, मेरे साथ उसने मारपीट करी और उसका भी वीडियो मेरे पास है। मारपीट घर में कुछ तोड़ फोड़ नहीं की? घर में उसने कुर्सियाँ तोड़ फोड़ दी, घर में कुछ सोफे वोफे सब लाठों से डंडों से जी। हम इसमें चाहते हैं कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, सस्पेंड होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पार्षद हैं महेश राजपूत जी, इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर वेरियर वन है इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ्ता पहले की थी, जिसमें SSP महोदय के संज्ञान में भी उसको लिया गया और एप्लीकेशन उनको दी गई कि ये यहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं और अवैध खनन कराने से रोड भी खराब हो रही है, और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे, इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी SSP साहब को दे दिया गया था। अब उस जांच में आज महेश राजपूत जी के बयान होने थे CO साहब के यहाँ, उस बयान ये ना दें इसलिए वो दबाव बनाने के लिए शिकायतकर्ता के घर अपना पुलिस बल लेकर पहुंच गए और यहाँ पर जब घर का दरवाजा तोड़कर घुसे तो इनकी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की। उन्होंने कहा भाई इतना बदतमीजी करने की क्या बात है, अगर कोई बात है तो आप बताइए, वे क्षेत्रीय पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, कोई गुंडे तो है नहीं। तो ज़बरदस्ती फिर भी कमरे में घुस गए, फिर वहाँ महेश जी से उन्होंने
उन्होंने कहा कि आप किसी मुकदमे में वांछित हैं, आप चलिए। उन्होंने कहा मुकदमा मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, मैंने कभी आज तक मच्छर नहीं मारा, तो आप बात करते हैं मुकदमे की, कौन सी है मुकदमा दिखाइए। तो उनके ऊपर दबाव बनाने लगे, भाई तुम इसमें समझौता कर लो, जो हमारे ऊपर तुमने कार्रवाई के लिए लिखा है उसमें समझौता कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। जब ये महेश जी नहीं माने तो इनको ज़बरदस्ती खींच के वो ले जाने लगे अपने साथ। तो साथ ही इनके और लोग आसपास के मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने उसको रोका। अब जब ये देखा इन्होंने कि नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, तो एक झूठा इनके ऊपर ये बनाने के लिए कि हमारे साथ पुलिस के साथ कुछ बदतमीजी हुई है, ऐसा सुना गया है कि उन्होंने ऐसा कुछ जाके बनाया कि साहब पुलिस वालों को वहाँ पर पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ, पलटे हुए सोफे, कि उन्होंने यहाँ आकर क्या किया है। और शिकायतकर्ता के घर पुलिस के आने का क्या मतलब है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसका अपने आप में आना ही एक जांच का विषय है कि वो क्यों आए थे यहाँ। अगर कोई परेशानी थी या कोई बात भी थी तो कोई दूसरे चौकी चार जा सकते थे। जब संबंधित पार्षद ने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है तो वो अपने पुलिस बल के साथ यहाँ क्यों आए घर पे, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। इसमें हमने आदरणीय ADG, DIG महोदय, SSP सबसे बातचीत की है कि इसमें पार्षद को, उनकी पत्नी को, जो उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की है, उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसी अराजकता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन आप लोग बिला बेस के, बिला प्रूफ करे, ये आप खबर नहीं चलानी चाहिए आपको। किसी के हट, मतलब खास तौर से डॉक्टरी पेशे को ठेस लगती है, एक वो मानवता का काम कर रहा है, उसके उसकी फीलिंग नहीं है क्या डॉक्टर की? अब ये बताइए, अगर आपको खबर निकालना है तो आपका पूरा, आप उसका पोस्टमार्टम कराते, बच्चे का पोस्टमार्टम में सब कुछ प्रूफ हो जाता भाई, पोस्टमार्टम कराते। अगर लग रहा है आपको ऐसा कोई, अगर उसके साथ दुर्घटना हुई है, पोस्टमार्टम कराते, पोस्टमार्टम में काउज ऑफ डेथ पता लग जाता, टाइम ऑफ डेथ पता लग जाता, बच्चा बाकायदा यहाँ से जिंदा गया है, उनको दिखाया गया है, उनसे लामा साइन कराया गया है, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस उनको साइन है, और यहाँ पर जब आया था बच्चा, उसकी PI हमने थाने को भेजी है, यहाँ के इज्जत नगर थाने, इसके प्रेमनगर थाने को, और उस जब गया है बच्चा लामा हुआ, तो उसकी भी PI हमने प्रेमनगर थाने को भेजी है।